एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस पर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीर है ही ऐसी। पूरी खबर एक मिनट में। आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर न तो किसी साइंस फिल्म की है न ही विदेश की है। ये कोई ओलंपिक स्टेडियम भी नहीं है और हाँ न ही ये कोई फॉर्मूला वन का ट्रैक है। दिल थाम कर बैठिए, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भविष्य है। जी हाँ, सही सुना आपने, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। इस वक्त कुछ ऐसा दिखता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और सब कुछ ठीक रहा तो 4 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इन गुंबद के आकार की 2 इमारतों के नीचे ट्रेन आकर रुकेंगी और चलेंगी। इसमें 2 एंट्री और 2 एग्जिट एरिया होंगे और साथ में 40 मंजिला ऊंचा ट्विन टावर भी होगा। इस टावर में होटल, ऑफिस होंगे और दुकानें होंगी और स्टेशन के दोनों तरफ 2 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाए जाएंगे। सबसे खास होगा सफर के साथ शॉपिंग का मजा लेना। नए मॉडल में हाई स्ट्रीट खरीदारी के साथ पैदल यात्रियों के लिए अलग मार्ग शामिल होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रही है रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RLDA। उसी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की प्रोजेक्टेड इमेज जारी की है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 4 साल लगेंगे यानी 2024 तक ये पूरा हो सकेगा। इस मेगा मेकओवर से करीब 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5,000 करोड़ का निवेश होगा जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बिक्री के जरिए आएगा। इस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान एरिया लगभग 120 हेक्टेयर का है जिसमें से 88 हेक्टेयर को पहले चरण में शामिल किया गया है जिसकी जिम्मेदारी RLDA की ही है। इस प्रोजेक्ट के 2 प्रमुख हिस्से हैं, स्टेशन कंपोनेंट और स्टेशन एस्टेट। स्टेशन कंपोनेंट के तहत 4 तरह के डेवलपमेंट होंगे जिसमें विभिन्न सुविधाओं के साथ नई टर्मिनल बिल्डिंग, रेलवे कार्यालय, रेलवे क्वार्टर और सहायक रेलवे कार्यालय शामिल है। वहीं स्टेशन एस्टेट के तहत भी 4 तरह के डेवलपमेंट होंगे जिनमें रिटेल स्पेस जो स्टेशन से सटे हैं, कॉमर्शियल ऑफिस, होटल और आवासीय परिसर शामिल है। दिल्ली के दिल में बसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट और दिल्ली NCR से मेट्रो से भी जुड़ा है जो रीडेवलपमेंट के बाद रीजनल कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।